अस्सलामुअलैकुम जी। तो फ्रेंड्स, आज आपको जो है मछली का शिकार दिखाया जा रहा है, मछली पकड़ी जा रही है, बीच समुंदर में है। तो मछली का सालन वगैरह बनाना आपको बहुत सिखाया गया है, तो मैंने सोचा कि आपको साथ में ये भी दिखाऊंगी मछली किस तरह पकड़ी जाती है और लंच में ये जैंट सालन किस तरह बनाते हैं। बहुत जायकेदार होता है, हम खुद गए हुए और खाया हुआ है इनके हाथ में इस तरह से सालन। लेकिन ये कि मैंने सोचा चले आज आपको जो है ये अभी की बिल्कुल है, परसों की वीडियो है। मैंने सोचा आपको मैं इसके कुछ क्लिप्स दिखाऊं और इनके पकाने का मेथड भी आपको दिखाऊं कि लास्ट में किस तरीके से मछली पकाते हैं। ये देखें, मछली पकड़ी जा रही है ये, और बज़ाहिर बहुत मुश्किल काम है। वाकई में जेंट्स के अल्लाह पाक ने मर्दों को हिम्मत दी हुई है, वो इस तरह का काम करते हैं। ये देखिए, और हाथ से ख़ुद पकड़ के मछली और फिर उसका खाना बनाने का तो जायका ही आपको पता है, बिल्कुल चेंज, बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल उसी वक्त की ताज़ी मछली। ये अभी अभी पकड़ी गई है मछली, अभी इसका जो है ये सालन बनाएंगे, वो भी आपको दिखाऊंगी। पहले अब ये देखें कि कितनी मछलियाँ पकड़ी जा चुकी हैं, और फ्रेश जो मछली होती है ज़ाहिर सी बात है उसका मीट बिल्कुल चेंज होता है, हम शॉप से जो लेते हैं उसका मीट बिल्कुल चेंज होता है जी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये मेरे हस्बैंड गए हुए थे तो उन्होंने पकड़ी, साइज़ आप देखें मछली का कितने बिग साइज़ की ये फ़िश है। और जो है इसमें आप फिंगर फिश भी बनवा सकते हैं, जो चाहें आप बनवा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। और जो है अब जो सालन बना रहे हैं लंच में, वो आप मेथड देखिएगा कि कितना मुश्किल काम है बीच समुंदर में इस तरह से सालन बनाना। लेकिन ये कि बहुत सिंपल मेथड से बनाते हैं और बहुत टेस्टी सालन बनता है ये जी। मेथड देखिए कितना सिंपल है, इन्होंने ऑयल लिया, उस पर टमाटर डाले, हरी मिर्चें डाली है, मछली ये देखिए वहीं पर काटी गई है, वहीं वॉश की जाती है इसे। और जो है मुश्किल काम है, वरना हमारे पास तो बनी हुई आती है और फिर भी हमें बनाने में टाइम लग जाता है, लेकिन ये बहुत जल्दी बनाते हैं और बहुत जायकेदार सालन बनता है। सिर्फ प्याज टमाटर और हरी मिर्ची बिल्कुल साबुत है, सब कुछ साबुत डाला गया है, और इसको सिर्फ भून लेंगे, इसमें मछली मसाला डालेंगे और मछली के पीसेस डालेंगे, देखें इस तरह, और बस पानी डालेंगे, बेहतरीन से सालन रेडी है। ये देखें लंच है उसका, जो है किचन है छोटा सा, और कहते हैं यहाँ पर बनाना बहुत मुश्किल काम है, और समुंदर भी बीच समुंदर में लांच हिलती रहती है, तो उसमें खाना बनाना खुद सोचे कितना मुश्किल काम है। लेकिन बहुत जायकेदार सालन बनता है, हमने खुद खाया है सालन और बहुत जल्दी तैयार होता है। और जो है अब आपने इस वीडियो में कई तरह की फ़िश भी देख ली, किस तरह पकड़ते हैं वो भी देखा, लंच में किस तरह सालन बनाते हैं वो भी देखा। उम्मीद है रेसिपी पसंद आई होगी, फिर मिलेंगे न्यू रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।